morning, my dear students. Today we will discuss next question type, that is type 3, short answer type question. Each question carry 3 marks, and our topic is pair of straight lines. First question is that बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है और दूसरा लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, एंड दोनों लाइन जो है वो किससे पास करती है, दोनों लाइन माइनस वन कॉमा टू से पास करती है। ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस वन कॉमा टू, और इससे दो लाइन पास करती है, ये लाइन एल वन हो गया और ये लाइन एल टू हो गया, जो कि इस लाइन के एल वन जो है इस लाइन के पैरेलल है। एल वन इज पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अनदर लाइन l2 जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि मुझे l1 और l2 लाइन का इक्वेशंस मालूम हो जाए, देन जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करते हैं। अब L1 लाइन का इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगा, इक्वेशंस ऑफ L1 लाइन, बेटा L1 लाइन इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना है बेटा, माइनस वन बाई थ्री, और जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी एल वन लाइन का भी स्लोप होगा माइनस वन बाई थ्री, और एल वन लाइन माइनस वन कॉमा टू से पास होती है तो वाई माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स माइनस वन थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये L1 लाइन का इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इक्वेशंस ऑफ L2 लाइन क्या होगा बेटा, तो L2 लाइन का क्या कंसेप्ट बता रहा है कि L2 लाइन 2x माइनस y माइनस वन के परपेंडिकुलर है एंड माइनस वन कॉमा टू से पास कर रही है। तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 2 बाई थ्री, तो इस लाइन का एल टू लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाई टू।
माइनस थ्री, टू आई माइनस फोर, थ्री एक्स प्लस टू आई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एल वन एल टू लाइन का इक्वेशन आ गया। अब मुझे क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। नाउ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी L1 into L2 is equal to 0. L1 बेटा कितना आया है? L1 बेटा कितना आया है? L1 x plus 3y minus 5 is equal to 0. और L2 लाइन कितना आया है बेटा? 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. X plus 3y minus 5 is into 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. मल्टीप्लाई करो इसको बेटा। 3x square 2xy माइनस एक्स प्लस नाइन एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस नाइन एक्स वाई कितना होगा बेटा? 11xy minus x minus 15x minus 16x minus 3y minus 6y that is minus 9y or plus 5 is equal to 0। तो इस तरह हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस निकाल सकते हैं। Now, our second question is that पर
कंडीशन में कभी भी ट्रिक अप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को इंटरचेंज कर देंगे, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा उसके साइन को चेंज कर देंगे। तो यहां प्लस टू एक्स वाई है तो यहां माइनस टू एक्स वाई लिख के जीरो कर देंगे। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा जो कि एल थ्री एंड एल फोर के मल्टीप्लिकेशन से फॉर्मेशन होगा। ये हमारा ट्रिक हो गया। लेकिन बेटा हम लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसमें मुझे ट्रिक नहीं, मुझे प्रोसेस की नीड होती है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। प्रोसेस में बेटा जो हमारा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, इससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेपरेट इक्वेशंस निकाल लेंगे बाय द मेथड ऑफ श्री द्रोणाचार्य मेथड से। x इक्वल टू माइनस टू आई प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी फाइव इंटू माइनस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू फाइव। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो सेपरेट लाइन का इक्वेशन निकल आ जाता है, जाकि माइनस टू वाई प्लस माइनस फोर वाई स्क्वायर बीस किया सात सिक्सटी वाई स्क्वायर अपॉन टेन, दैट इज x इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस माइनस एट वाई सिक्सटी फोर का अंडर रूट क्या होगा, एट अपॉन टेन। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस एट वाई दैट इज सिक्स वाई। 10x minus 6y is equal to 0। ये मेरा L1 लाइन का इक्वेशन आ गया। सिमिलरली L2 लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा, तो इसमें निगेटिव साइन लेंगे तो x equal to minus 2y minus 8y upon 10, that is x इक्वल टू माइनस टेन वाई अपॉन टेन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा L2 लाइन का इक्वेशन था। अब बेटा L1 लाइन का स्लोप क्या है, M1 क्या है बेटा, टेन अपॉन सिक्स दैट इज 5/2 एंड इस लाइन का स्लोप क्या है बेटा, माइनस वन। अब L3 और L4 लाइन जो है वो L1 एंड L2 लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के यदि L1 का स्लोप 5/2 है तो L3 का स्लोप क्या होगा, L3 का स्लोप माइनस 2/5 होगा, और L2 लाइन का स्लोप माइनस वन है तो L4 लाइन का स्लोप क्या होगा, वन के इक्वल होगा, ठीक है। अब बेटा मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट
तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई, तो टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जीरो। और ये मेरा किस टाइप का इक्वेशन आ गया, एल थ्री राइट। सिमिलरली इक्वेशन और सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है बेटा, एम टू।
that is 2h upon b and product of the slope kya hoga m1 into m2 that is c by a that is a by b और m1 लाइन का स्लोप दे रखा है माइनस 4 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 इनटू m2 इज इक्वल टू a बाय b तो m2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 5 a अपॉन 4 b। अब बेटा m1 और m2 का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस 4 बाय 5 माइनस 5 a अपॉन 4 b is equal to minus 2h upon b। तो बेटा इसका LCM लेते हैं। LCM क्या आएगा बेटा 20b और यहां क्या आएगा बेटा 4b और minus 16b minus 5 25a is equal to minus 2h upon तो b से b कैंसिल हो जाएगा और कंडीशन क्या आ जाएगा बेटा माइनस 25a माइनस 16b इज इक्वल टू माइनस 40h। तो 25a प्लस 16b इज इक्वल टू 40h यही बेटा कंडीशन हो जाएगा। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। Now, in question number 4, that is, that is
थीटा इज इक्वल टू 630 डिग्री। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट प्रेजेंट। नाउ आवर नेक्स्ट लेवल इज टाइप 4। टाइप 4 दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। नाउ इन लेवल 4 आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट so that the combined equation of pair of light passing through origin is a homogeneous equation of second degree in xy and hence find the combined equations of the light. beta second degree homogeneous equations kya hota hai, ax square 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। मुझे प्रूफ क्या करना है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस का फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो बी इंटू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू वाई बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा वाई बाई एक्स को हम लोग एम मान लेते, लेट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एम। तो बी एम स्क्वायर 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो एम के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं इसका दो रूट होगा m1 इनटू m1 एंड m2। तो फर्स्ट लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा y by x इक्वल टू m1 एंड y by x इक्वल टू m2। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, m1 है एंड y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे m2x। और जब इस दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन मुझे मिल जाएगा y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो बेटा y स्क्वायर माइनस m2xy माइनस m1xy प्लस m1 इंटू m2x स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लो m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 इंटू m2 इंटू x स्क्वायर। तो यहां जो मेरा m के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेशन हुआ है तो बेटा यहां से सम ऑफ द स्लोप क्या होगा, माइनस 2h अपॉन b
by xy plus 2hxy plus axy is equal to 0। और इस तरह हम लोग प्रूव कर दिए कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो रिप्रेजेंट करता है टू स्ट्रेट लाइन। नाउ इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है और आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करो। तो दो लाइन का इक्वेशन क्या दिया है बेटा, 2x plus 3y is equal to 0 and x minus 3y is equal to 0। अब मुझे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर निकालने को कह रहा है। नाउ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ, नाउ इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी टू एक्स प्लस थ्री वाई इंटू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई माइनस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। That is 2x square minus 9y square minus 3xy is equal to 0। This is my short answer type question of question number first. Now, in question number second, say that क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है बेटा, सो दैट द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होगा बेटा, ax square plus 2hxy plus by square, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, h square minus ab greater than equal to 0, ये मुझे प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो बेटा श्री द्रोणाचार्य मेथड से इसका हम दो लाइन का इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। x इक्वल टू माइनस टू एच प्लस माइनस रूट अंडर फोर एच स्क्वायर माइनस